साल 1979 में फिल्म आई प्रेम बंधन, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत आनंद बख्शी साहब। इस फिल्म के गीत थे मैं तेरे प्यार में पागल, होती है जब किसी से प्रीत, वादा नहीं करते किसी से। प्रेम बंधन वो फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना का कमबैक हुआ था कुछ सालों तक फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद। इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के बाद एक मैगजीन में राजेश खन्ना के लिए लिखा गया था, राजेश खन्ना मेक्स ए सिंसियर अटेम्प्ट टू रिकवर हिज पॉपुलैरिटी एज सुपरस्टार एंड सक्सीड्स, ही गिव्स नेचुरल टचिंग परफॉर्मेंस। प्रेम बंधन से राजेश खन्ना का कमबैक तो हुआ, मगर राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में किस डायलॉग की वजह से एंटर हुए ये मैं आपको बताता हूं। पहली बार हुआ यूं था कि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में आए यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट की वजह से। जब कॉन्टेस्ट का अखबार में इश्तिहार छपा तो राजेश खन्ना ने उस एड को कैंची से काट कर रखा, उसे फिलअप किया, 3 फोटोज भेज दिए, फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ऑडिशन के लिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर मौजूद थे, चोपड़ा साहब थे, बिमल दा थे, SH रवेल थे। ये बात खुद राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कही है। राजेश खन्ना उनके सामने कुर्सी पर बैठे, वहां एक बड़ी सी टेबल के सहारे लगी कुर्सियों पर सभी प्रोड्यूसर्स बैठे थे। उन्हें देखकर राजेश खन्ना हो गए नर्वस, ऐसा लगा कि जैसे उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये राजेश खन्ना ने अपनी फीलिंग बताई है। तभी शक्ति दा ने उनसे कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा था, वो सुनाइए। राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि मैंने डायलॉग पढ़े हैं, मगर आपने इस डायलॉग के साथ किसी भी तरह के कैरेक्टराइजेशन की कोई डिटेल नहीं भेजी है, ना ही ये लिखा है कि सिचुएशन क्या है। ये हीरो जो अपनी माँ को समझा रहा है कि मैं एक नाचने वाली से प्यार करता हूं और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूं, अमीर है, गरीब है, बंगले में रहता है, फ्लैट में रहता है, चौल में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपने कुछ नहीं भेजा है। बात सुनकर चोपड़ा साहब ने झट से पूछा, समझ गए तुम थिएटर से हो? वो बोले, जी मैं थिएटर से हूं। तो चोपड़ा साहब ने कहा, अच्छा कोई अपना एक डायलॉग सुनाओ। यश चोपड़ा की बात सुनकर राजेश खन्ना की हालत और पतली हो गई। दिमाग पे जोर मारा तो एक डायलॉग याद आ गया, और यही वो डायलॉग था जिसकी वजह से उन्हें 10,000 लोगों में से सेलेक्ट किया गया। हां मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। ये डायलॉग सुनकर वो इंप्रेस हुए थे। आज से कई साल पहले मैखाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था और औरों के लिए अमृत। हां मैं कलाकार हूं। ये वही पंक्तियां थीं, ये वही डायलॉग की लाइंस थीं जिसकी वजह से राजेश खन्ना को एंट्री मिली और सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते शोहरत की ऊंचाइयों को छूने के बाद वो हिंदुस्तान के बने सुपरस्टार। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7.